हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज मैं इस वीडियो में इस ट्रिमर की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं। और इससे पहले मैंने इस ट्रिमर की एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से आप आसानी से ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करके आप आसानी से कैशबैक पा सकते हैं। तो अभी तक इस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप वहां पे प्रेस करके आसानी से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप यहां पे क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मैं इस वीडियो को लगा दूंगा, आप वहां पे प्रेस करके आसानी से देख सकते हैं। और इस ट्रिमर को मैंने इस दिन परचेस किया था और ये ट्रिमर बहुत ही अच्छा है और मैंने इसे पर्सनली एक्सपीरियंस करके देखा है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके ऑनलाइन इसे ले सकते हैं। तो और इस ट्रिमर को मैं बहुत पहले लिया था और इसकी वीडियो भी बना लिया था, बट मैं सोच रहा था चलो सबसे पहले मैं इस ट्रिमर को यूज़ कर लेता हूँ, यूज़ करने के बाद अगर ये ट्रिमर अच्छा निकला तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। सो फाइनली ये ट्रिमर बहुत ही अच्छा निकला है, सो इसीलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। सो फाइनली चलिए अब मैं इस ट्रिमर को अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो फाइनली चलिए मैं इस पैनासोनिक ट्रिमर को अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको बॉक्स देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो कंपनी बनाई है वो कंपनी का नाम यहाँ पे शो कर रहा है और इसका एड्रेस शो कर रहा है, तो आप आसानी से यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो फाइनली चलिए मैं इसे अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि मैं इसे पहले ओपन करके देख चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं आप सभी को अनबॉक्सिंग यहाँ पे दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले से ही ओपन किया था तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है, मैं पहले से ही फाड़ा था। तो चलिए थोड़ा सा और इसे हम फाड़ के ओपन कर लेते हैं, क्योंकि पहले मैं थोड़ा ही फाड़ा था बस देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जब मैं ओपन करूँगा तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। तो कितना अच्छा बॉक्स आपको ऊपर से ही देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे रैपर भी बहुत ज़्यादा अच्छा से यहाँ पे रैप किया गया है। सो चलिए इसके बाद से हम इस कवर को हटा लेते हैं। तो चलिए इस कवर को हम हटा देते हैं और इसके बाद से मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो देखिए ये कवर को मैं हटा दिया और ये खेलने में बड़ी मज़ा आता है इसमें फोड़ने में, तो चलिए इसे हम हटा देते हैं उसके। तो देखिए यहाँ पे आपको बॉक्स कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा और इस बॉक्स के ऊपर ट्रिमर का फ़ोटो बहुत सारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसके बाद से मैं थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी इस ट्रिमर के रिगार्डिंग। और इसके बाद से देखिए इधर मैं करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा, ये 40 मिनट तक ट्रिमिंग कर सकता है, 40 मिनट तक ये चल सकता है। और इसके बाद से देखिए यहाँ पे ट्रिमर के फ्रंट में आपको देखने को मिलेगा 2 mm से लेके 18 mm तक ये बढ़ सकता है, मतलब ये काट सकता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको ट्रिमर देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे चलिए हम बैक दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैक में भी यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बाद से देखिए यहाँ पे हम इधर दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सारी डिटेल आपको इस ट्रिमर की मिल जाएगी। तो चलिए इसके बाद से मैं आप सभी को इसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो ओपन करने के लिए हम सिंपली यहाँ से प्रेस करके ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं ओपन किया तो एक बिल पहले ही यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इस बिल को मैं निकाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल मेरी दिया है, बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस, और नीचे आपको यहाँ पे कितने प्राइस का है वो चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1705 रुपये का है और जो टैक्स लगा है 260 रुपया 8 पैसा टैक्स लगा है। तो चलिए इसे हम नीचे रख देते हैं। नीचे रखने के बाद से देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से इस बॉक्स में दिख रहा है। तो चलिए हम इसे निकालते हैं। तो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे इसे हम प्रेस करेंगे। तो देखिए ये निकल नहीं रहा है, तो हम ऐसे करके इसे निकालेंगे। निकालने के बाद से देखिए यहाँ पे ये उल्टा है तो हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद से देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये ट्रिमर है और ये आपका ऑयल है साफ़ करने के लिए, ब्रश है साफ़ करने के लिए, और यहाँ पे चार्जर है। तो चलिए हम सबसे पहले ट्रिमर को निकालते हैं। चलिए यहाँ पे नीचे इसे रख देते हैं और देखिए यहाँ पे ये ट्रिमर है। तो ट्रिमर का निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा देखने को मिल रहा है, वाह बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे पीछे आपको सारे डिटेल यहाँ पे देखने को मिल रही है, मॉडल नंबर और सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे आगे करेंगे फ्रंट में, तो देखिए फ्रंट में कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे देखिए नीचे पैनासोनिक लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अभी ये टेप लगा हुआ है तो इसे हम रिमूव करेंगे
और यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है टेप। तो चलिए हम फाइनली इसे नीचे रखते हैं और इसके बाद से मैं आप सभी को यहाँ पे जो चीज़ है उसे दिखा देता हूँ। तो देखिए ये ब्रश है, इस ब्रश से हम हेयर को रिमूव करते हैं अगर इस ट्रिमर पे लगा रहता है। तो देखिए ये तो कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो चलिए इसे हम दोबारा से इसमें रख देते हैं और उसके बाद से मैं आप सभी को ऑयल दिखाता हूँ। तो देखिए ये ऑयल है और ऑयल में देखिए आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे इसका लिखा हुआ है, तो आप आसानी से इसे देख पा रहे होंगे। और उसके बाद से चलिए मैं अब चार्जर दिखाता हूँ कि इस ट्रिमर का चार्जर कैसा है। तो सबसे बेस्ट मुझे यही लगा कि इसका चार्जर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही यहाँ पे हैवी है। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कुछ इस टाइप से। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पैनासोनिक लिखा हुआ है, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, इनपुट आपको देखने को मिल रहा है, आउटपुट देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मेड इन चाइना। तो ये चाइना का प्रोडक्ट है। और इसके बाद से देखिए यहाँ पे बैग में कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा और देखिए यहाँ पे पिन आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी बड़ा इसका वायर है क्योंकि यहाँ पे इससे पता चल रहा है। और सो फाइनली चलिए अभी इस अडेप्टर यानी चार्जर को हम नीचे रख देते हैं और इस ट्रिमर के बारे में बताते हैं। ये ट्रिमर मैंने ले लिया और यहाँ पे जो टेप लगा हुआ है इसे हम पहले रिमूव करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम टेप को रिमूव करेंगे। तो देखिए आसानी से हम रिमूव कर सकते हैं। करने के बाद से देखिए आपको यहाँ पे ऊपर में एक और टेप लगा हुआ है, इसे रिमूव करेंगे इस टेप को। तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ओपन जल्दी होता नहीं। तो देखिए यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। सो फाइनली ये ओपन हो गया है पूरी तरीके से। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा है, ऐसे ऑन हो जाएगा और ऐसे ऑफ हो जाएगा। देखिए ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। तो सिंपली हम ऊपर करेंगे तो ऑन हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस ट्रिमर को बढ़ा सकते हैं, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, 12 नंबर तक हम आराम से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 नंबर पर मैंने कर दिया, अगर 3 नंबर पर करना है 3 नंबर पर कर लिया, 4 नंबर पर करना है 4 नंबर पर, 5 नंबर पर करना है 5 नंबर पर, यानी आसानी से जितने नंबर पर हमें करना है वो हो सकता है यहीं से। तो देखिए यहाँ पे मैं सिंपली इसे कर रहा हूँ तो ये हो रहा है, तो अभी 12 नंबर तक जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 12 तक आ गया और उसके बाद से देखिए जैसे 12 नंबर पे मैंने किया तो ये ऊपर चला गया है। तो देखिए यहाँ पे गैप हो गया है, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आसानी से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बैक आते हैं। तो देखिए ये जैसे ही हम 2 नंबर पे 3 नंबर पे आएंगे तो देखिए यहाँ सबसे नीचे चला आ जाएगा, 1 नंबर करेंगे तो आगे बिल्कुल बैठ जाएगा। सो फाइनली इसके बाद से चलिए इस बॉक्स में देख लेते हैं और कुछ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने नीचे इसे रख दिया, रखने के बाद से देखिए यहाँ पर इस बॉक्स में आपको एक मैनुअल बुक मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर कैसे यूज़ करना है, कैसे इसे सेव करना है, सारे डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डेंजर, वार्निंग, कॉशन, यहाँ पे सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो आराम से इसे आप पढ़ के आप आसानी से ट्रिमर को यूज़ कर पाएंगे। अगर फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर पढ़िएगा कि कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे इसे चार्ज करना है, सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिया होता है, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर पढ़िएगा। सो फाइनली आई होप अब आप सभी को इस ट्रिमर के बारे में डीपली से समझ में आ गया होगा कि यह ट्रिमर कैसा है। अगर आपको यह ट्रिमर अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं, अगर आपको अच्छा नहीं भी लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर यह इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।